गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. होमवर्क में क्या वर्कशीट थी क्या? यस सर. ओके सर. अच्छा डाउट्स होंगे आई गेस कुछ? यस सर. पूछो. सर क्वेश्चन सिक्स में है वर्कशीट. सर नाइन्थ क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सिक्स. सिक्स. क्वेश्चन नंबर सिक्स. सर इलेवेंथ में भी है. ओके लाइन से करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन सिक्स. सर मेरे से क्वेश्चन सिक्स नहीं हुआ. हाँ क्वेश्चन सिक्स और लोगों का भी डाउट है. लेट्स सी. कह रहा है कि याद करो मैंने एक अप्रोच बताई जब भी नॉन स्टैंडर्ड एंगल देखें हमें क्या करना होता है. सर जिनका सम 90 बनाएंगे तो सर मैम कुछ सर ये ऐसे होगा क्या जैसे हम वो हम पेयर में ले लेंगे कि साइन 30 और साइन 87 को 87 और किस क्या बोला साथ में साइन 3 और साइन 87 साइन कर ले हो तो फिर ऐसे करते करते फिर साइन 6 हो जाएगा वो साइन 84 ऐसे सर फिर वो 1 हो जाएगा. बिल्कुल तो वो वही अप्रोच लगेगी. सेम हमेशा एक ही अप्रोच है जब भी नॉन स्टैंडर्ड एंगल देखे. ये वाला हो गया मेरा सर. देखना पड़ेगा कौन सा था. ये तो सिक्स है. तो हमेशा पेयर देखो और वो पेयर बनाओ जिनके सम 90 हो रहा हो. जैसे 0 और 90 एक पेयर ये हो गया. 3 और 87 एक पेयर ये हो गया. 6 और 84 एक पेयर ऐसे हो गया. ऐसे पेयर बनते रहेंगे. अब पेयर में एक को चेंज कर दो. जैसे 0 और 90 स्टैंडर्ड है इसलिए करो ना करो एक ही बात है. जैसे मैंने सपोज इसको चेंज कर दिया तो साइन 87 को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर है 3. कॉस 3 होता है ना इनका कॉस और 87 निकल जाए और स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा. अब देखो फायदा क्या हुआ. साइन स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 3 क्या बन जाएगा? 1. ऐसे ही अगर मैं साइन स्क्वायर 84 को चेंज करूंगा तो ये कॉस स्क्वायर 6 हो जाएगा. साइन स्क्वायर 6 प्लस कॉस स्क्वायर 6 ये भी 1 बन जाएगा. ठीक है इस तरह सारे पेयर बन जाएंगे. अभी क्वेश्चन ये है कि कितने पेयर हैं यहाँ अवेलेबल. कितने टर्म्स हैं ये 0 से लेके 90 तक सोचो. 45 टर्म्स कितने ये काउंट करो 0 से लेके 90 तक के अगर सारे नंबर लिखोगे तो कितने नंबर हो गए? 45. कितने नंबर हो गए? 31 होंगे. आंसर नहीं पूछ रहा हूँ मैं. क्या पूछ रहा हूँ सुन के बोला करो. मैं कह रहा हूँ कितने टर्म्स लिखे हुए हैं सामने 0 से लेके 90 तक लिखे हुए हैं. सारे नंबर है 0 से 90 कितने नंबर हो जाएंगे? 31. अच्छा 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 एक मिनट सही बोल रहे हैं कुछ लोग. सॉरी मैं गलत समझ रहा था. 91 क्योंकि सारे नंबर नहीं है. मुझे लगा था सारे नंबर है. 33 के गैप में है तो ये 31 टर्म्स होंगे. ठीक है सही बोल रहे हो. वेरी गुड. कैसे तो जब भी हमें काउंट करना हो हमेशा देखा करो किसका मल्टीपल है. जैसे ये 3 का मल्टीपल है तो पहला देख लो और आखिरी देख लो. जैसे पहला 0 तो मैं उसको छोड़ रहा हूँ. ये 3 × 1 है. अगला 3 × 2 है. अगला 3 × 3 है. तो बेसिकली देखो यहाँ से एक काउंटर तुम्हें मिलना है कि ये एक टर्म हो गया 1 2 3 नंबरिंग तो चल रही है. ऐसे लास्ट आ रहा है 3 × 30 तो 1 से 30 तक सारे नंबर 30 तो होंगे. ठीक है और एक मैंने काउंट नहीं किया था तो बेसिकली ये 31 टर्म्स लिखे हुए हैं. 31 टर्म्स जो हम पेयर में ले जाएंगे तो कितने पेयर बन पाएंगे?
15 पेयर, एक टर्म अकेला रह जाएगा और वो अकेला टर्म कौन सा होगा? पेयर कैसे बनना है? पहला आखिरी, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, ऐसे 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 पेयर बनते जाएंगे, आखिरी में जो बीच वाला टर्म है वो अकेला रह जाएगा और एकदम पूरा टर्म होगा साइन स्क्वायर 15 पेयर से तो 1-1 आ गया, सब ऐड हुआ 15 हो गया, प्लस साइन स्क्वायर 45, साइन 45 होता है 1/√2, तो साइन स्क्वायर 45 हो जाएगा 1/2, ऐड करोगे तो वो आ जाएगा 31/2, ठीक है? सबको आ गया समझ में? यस यस सर। चलो नेक्स्ट आउट। क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8। हम पेयर कैसे ढूंढते हैं जिनका सम 90 हो, और ए और बी कैसे एंगल है जिनका सम 90 है, तो एक को चेंज कर लो दूसरा अपने आप सेट हो जाएगा। सर वो साइन ए कॉस बी हो जाएगा और कॉस बी को मैं क्या लिखता हूं, साइन 90 माइनस बी। अगर बी ए प्लस बी 90 है तो बी को हम 90 माइनस ए लिख सकते हैं ना, ए को चेंज कर दो, किसी को भी चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं कॉस बी को लिखूंगा तो ये चेंज होके साइन ए हो जाएगा। कैसे? क्योंकि बी को हम लिख सकते हैं 90 माइनस ए और कॉस 90 माइनस ए हो जाएगा साइन, बेसिकली ये साइन ए बन गया और ये दोनों कैंसिल होके 1 हो जाएंगे। ऐसे इनमें किसी एक को चेंज कर दोगे तो दूसरा ऐसा बन जाएगा और दोनों कैंसिल होके ये भी 1 हो जाएंगे, 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट सर, क्वेश्चन 9 में आंसर मैच नहीं कर रहा। क्वेश्चन 9 में हाँ आंसर सर मेरा 2 है, आंसर गलत है, गलत सर नहीं कर रहा सर, मैच 2 आएगा, आंसर 2 है, गलत था दिया हुआ है। हां सर मेरा भी 2 ही आ रहा है, तो मेरा -2 आ रहा था, -2 नहीं आएगा सुनाने। देखो नीचे एक्चुअली तुमने नीचे -1 नहीं लिया हुआ, नीचे देखो ये आ रहा है cot स्क्वायर थीटा - cosec स्क्वायर थीटा, यस सर, और इसकी वैल्यू क्या होती है सुनाने? इम्पोर्टेंट भी बताया भी था कि tan of something, cot of something आ रहा है, तो क्या लगता है फंडा? Sin of something is equal to cos of something. हम दोनों का sum 90 होगा। Complementary वाली exercise में था ना सृष्टि? सर मैंने 12 बोला, 12। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, किसको नहीं आया 7? मेरे को। हाँ सृष्टा, ये complementary वाली exercise में बताया था मैंने standard, कि जब पेयर वाइज इक्वल दिए हो, साइन ऑफ समथिंग इज इक्वल टू कॉस ऑफ समथिंग, तो हम बस आइडेंटिटी लिख देंगे यूजिंग टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, दोनों का सम 90 कर दो बस, तो x माइनस 2y, ओके सर, ठीक है, x माइनस 2y प्लस 2x माइनस y शुड बी 90, ओके सर, तो यहां से x माइनस y आ जाएगा, देखो 3x माइनस 3y आ गया 90, 3x माइनस 3y आ गया 90, 3 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो x माइनस y। सर एक सेकेंड, मैंने आपसे 11th पूछा था, 7th कौन पूछ रहा था? सर 11th मेरा भी डाउट है, सर 11th नहीं था, सर 11th था सर, 7 नहीं था, ये सर मैंने 11 बोला था। अरे ठीक भाई, गलती हो गई, 11th देखो इस तरह के क्वेश्चन पहले तो आते थे, अभी भी करवाने को तो आ ही सकते हैं, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, जो लिखा है बस उसकी वैल्यू लिख दो। क्या है कि एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, एस तो ऐसे ही है तो एस स्क्वायर लिखा रहे, तो एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स की वैल्यू है आर कॉट थीटा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस आर तो आ रही है, वाई की वैल्यू दे रखी है कहाँ गया, एस कॉसेक थीटा, तो हो जाएगा एस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, बस आर स्क्वायर एस स्क्वायर कॉमन है दोनों में, यस सर, बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है ये सर? 1 नहीं सर, -2, उल्टा लिखा हुआ है, सोच समझ के बोलो,
माइनस माइनस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आंसर आर स्क्वायर एस स्क्वायर दिया है हाँ नहीं तो आंसर गलत है फिर व्हाट स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर है ना हाँ उल्टा है माइनस होगा नेक्स्ट ट्वेल्थ बस थोड़ी लंबी कैलकुलेशन करके मैंने दे दिया है और उसमें कुछ है नहीं ऐसा कह रहा है कि 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 2 कॉस एक्स अपॉन नीचे दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी है मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 टर्म्स आ जाएंगे थोड़ा सा छोटा करने के लिए इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1 माइनस कॉस एक्स कोई खास फर्क नहीं है वैसे प्लस साइन एक्स ऑर्डर चेंज किया बस 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स समझ गए सर कॉस को पहले लिख दिया साइन से और कुछ चेंज नहीं किया मैंने ऐसा क्यों किया कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा जल्दी क्यों हो जाएगा इस पूरे को मैं ए मान लूंगा और इसको बी मान लूंगा तो क्या ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है yes, 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 sir. तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर डिनोमिनेटर हम बाद में यूज कर लेंगे अब बस इसको सिंप्लीफाई कर दो तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कुछ दिख रहा है यहाँ पर आइडेंटिटी जैसा सर ऊपर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपने छोड़ दिया वो जो ऊपर है प्लस टू कॉस एक्स था हाँ 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 वेरी गुड प्लस टू कॉस एक्स था ही तो ये माइनस टू कॉस एक्स और प्लस टू कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स ठीक है तो cos स्क्वायर x आ गया और एक cos स्क्वायर x पहले से ही रखा था तो 2 cos स्क्वायर x हो गया यस सर डिनोमिनेटर में ऑलरेडी cos स्क्वायर x था कैंसिल हो जाएगा सिर्फ 2 बचेगा नेक्स्ट सो क्वेश्चन 13 इज अ 13 हो गया बताना सर इसमें हमें दिया हुआ है कि sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 है और हमें पता होता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 है तो लीनियर मतलब दो इक्वेशंस आ जाएंगी तो उससे हमारी tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हाफ आ जाएगी और sec स्क्वायर थीटा की 3/2 आ जाएगी वेरी गुड वेरी गुड बिल्कुल सही बोल रही है देखो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा दिया दो अप्रोच है चाहे तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगा के रिप्लेस कर दो या फिर दूसरे आइडेंटिटी साथ में लिख लो हमें ये याद रखना चाहिए मैंने बताया तीनों तरह से याद रखो कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा तो हमें पहले से ही पता होता है 1 होता है ना sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल मान के कर लो इसको या फिर यहीं पर वैल्यू रिप्लेस कर दो कि sec स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा सोनी sin स्क्वायर थीटा थोड़ी है 1 upon cos square 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 तीन ही तो है जब tan स्क्वायर वाली आए तो समझ जाओ वही 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है तो मैं सेकंड स्क्वायर थीटा को लिख लेता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 इससे फायदा क्या हुआ कि सिर्फ tan बचा तो हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 अच्छा एक बात यहां से क्लियर हो जाएगी कि हमें tan थीटा भी मिल गया अगर हम चाहें तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 कई तरीके हैं आप आंसर तक पहुंचने के और अगर हमें एक रेशियो पता है तो हमें दूसरा भी पता सारे पता होते हैं बस पाइथागोरस वाला अप्रोच लगा लेंगे
हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कहाँ गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसे मैं करते हैं बहुत तरीके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे कोई कह दे कि यार मैं सेक स्क्वायर थीटा निकाल लूंगा और साइन को तो हम लिख ही सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं तो ये बचेगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वन माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। बाकी अगर सेक पता है तो कॉस पता है, तो ऐसा भी अब मैंने sec से cos निकाला और फिर मैंने tan into cos sin होता है तो उससे कर दिया है। बहुत तरीके मैं बोल रहा हूँ, या तो ऐसा अप्रोच लगा लो कि अब जैसे tan स्क्वायर थीटा निकल गया था यहाँ पुट कर देंगे तो sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब अगर sec स्क्वायर थीटा पता है तो cos स्क्वायर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2/3। अब बस वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 - 2 × 2/3 जो क्या आ जाएगा -1/3। या फिर कोई यहाँ से पाइथागोरस से साइन और कॉस निकाल ले और फिर वैल्यू पुट कर दे, सबसे सेम आंसर आएगा। हाँ बोलो सर। सर मैं बोल रहा था सर कि tan स्क्वायर थीटा सर tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 कैसे हो, अरे सॉरी 1/√2 आएगा। ठीक है, दोनों मेथड समझ गए ना, यहाँ से साइन और कॉस निकाल के वैल्यू पुट कर दी, या फिर मैंने एक क्वेश्चन में रख के sec स्क्वायर थीटा निकाल लिया उससे cos स्क्वायर थीटा निकाल लिया और मेन क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया, साइन की जगह मैंने cos लिख दिया था। नेक्स्ट सर क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, मैंने जानबूझकर डाल रखे हैं थोड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन। कहना tan स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर a, किसी ने कर लिया इसको, इस 2/3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर a इंटू sec स्क्वायर b माइनस sec स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर b, ने किया क्या इसको नहीं हुआ। चलो अब इसमें भी कई तरीके हैं, लेट्स सी किस तरीके से हम जाएं। चलो मैं सब कुछ tan में लिख देता हूँ पहले, तो हम sec स्क्वायर b को लिख सकते हैं 1 + tan² b, और sec स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 + tan² a। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि tan में कुछ गिवन है और sec को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैंने कहा सब कुछ tan में ले आते हैं तो गिवन वाला शायद यूज हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, देखो tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर b। फायदा क्या हुआ, ये हो गया कैंसिल, फाइनली वैल्यू क्या बची, tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b, ये तो दे ही रखा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी इसकी वैल्यू माइनस 2/3, उल्टा दे रखा है tan स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर a दे रखा, और हमें निकालना है tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b, सिर्फ नेगेटिव तो है उसका। नेक्स्ट आउट आई थिंक मैंने 15 तक ही दिए थे ना। यस सर। यस सर। यस सर। सब लोग काम कर रहे हो ना, कुछ लोग तो मकारी कर ही रहे होंगे। चलो नो सर, पता नहीं मैंने किया सारा काम, क्या बाकियों को पता नहीं, मैंने सारा काम किया। ठीक है चलो, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक दो और हैं, वो भी कर लेते हैं। एक पहले बहुत क्वेश्चन आता था, अभी जब से आइडेंटिटी हटी है तब से हम इस काम करते हैं, बट स्टिल sec थीटा प्लस tan थीटा दे रखा है और पूछ रहा है फाइंड, कोई भी रेशियो पूछ रहा है, फाइंड sin थीटा cos थीटा sec थीटा कुछ भी पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, वेरी पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो कोई सोच सकता है क्या अप्रोच लगाए, एक ही क्वेश्चन दे रखी है,
sec theta को 1 by cos theta ले और tan theta को sin theta by cos theta. ठीक है, देखो पहली चीज दिमाग में सबके यही आती है और यहाँ से बन जाता है 1 plus sin theta is equal to 3 cos theta, फिर यहाँ से बच्चे अटक जाते हैं. ठीक है, अच्छा बहुत अच्छी बात है कि आस्था ने कहा और ये नहीं करना है. ये मैंने लिखा इसलिए क्योंकि ये अप्रोच आती है दिमाग में, हमें यही सिखाया गया है कि आप जब sec tan हो तो sin cos में कन्वर्ट कर दो. इसमें क्या करना है, ये बहुत पर्टिकुलर इसलिए मैं अलग से बता रहा हूँ कि ये अप्रोच या ये फॉर्मूला देखो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, जैसे मैं एक बार मेंशन कर चुका हूँ, मुझे क्वेश्चन नहीं दिया था, 1 होता है. यहाँ से हम कह सकते हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा, ए प्लस बी इनटू माइनस बी लगा रहा हूँ, इनटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, which tells us कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा. तो हमें क्या मालूम चला यहाँ से कि जो sec प्लस tan है और sec माइनस tan है ये एक दूसरे के क्या है, reciprocal. तो अगर मुझे एक पता है तो क्या मुझे दूसरा भी पता है? Yes, sir. तो अगर sec थीटा प्लस tan थीटा 3 है तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा? 1/3. अब आ गई दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो sec थीटा tan थीटा मिल जाएगा, ऐड कर दोगे तो sec थीटा मिल जाएगा. अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, देखो sec और sec तो कैंसिल हो जाएगा, 2 tan थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1/3 जो कि 8/3 हो जाएगा और tan थीटा की वैल्यू 4/3 आ जाएगी. एक रेशियो आ गया, अब जो पूछा गया वो निकाल लेंगे. सर तो हम ये और सारी मतलब इक्वेशन के साथ भी कर सकते हैं, जैसे ऐसा ही रिलेशन आ जाएगा किसके साथ, सिमिलर इक्वेशन कौन सी है, ऐसे ऐसी एक और इक्वेशन है जिसमें ये रिलेशन ऐसा होता है, साइन कॉस. नहीं, कोसेक कॉट, कोसेक कॉट, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी वन होता है, तो सेम लॉजिक वहां भी लग जाएगा. अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पता है हमें तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा भी पता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से लिखना, अप्रोच भी लिख लेना कि हाँ एक चीज दी होगी दूसरे में अपने आप से लिखेंगे एंड देन वी विल सॉल्व द इक्वेशन. सर टेस्ट की टाइमिंग कल चेंज नहीं हो सकती? 1 बजे दिया हुआ मैंने वैसे, सर 12 बजे से पहले थी या फिर 1 और 12 के बीच. रीजन सर वो कल ना अलादीन वाली मूवी आ रही है मुझे देखनी है. कितने बजे आ रही है? सर 1 बजे आ रही है स्टार गोल पे. ठीक है, मुझे मैसेज कर देना 12 बजे कर दूंगा. ठीक है. नोट कर लिया सबने? यस सर. अभी देखो बोर्ड 2 साल से कुछ नए नए क्वेश्चन दे रहा है तो उसमें बच्चे थोड़ा अटक रहे हैं. तो लास्ट टू लास्ट ईयर बोर्ड में एक क्वेश्चन आ गया था कि सिंप्लीफाइड साइन टू द पावर 8 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 8 थीटा, शायद नीचे भी कुछ था, कुछ ऐसा था उसमें बच्चे अटक गए थे. एक सेट में क्वेश्चन आ गया था. तो क्या लगता है कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको? हम डिड्यूस करते जाएंगे सर जब तक साइन स्क्वायर मेरे ख्याल से नहीं आएगा. क्या क्या यूज कर रहे हैं साइन सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस सर. इसको हम लिख सकते हैं 4 हो जाएगा और 4 थीटा स्क्वायर, यस सर, माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा स्क्वायर. ये तो लिखा हुआ 8 टू द पावर 8 माइनस बी टू द पावर 8, हमने कहा इसको 8 पावर 4 का स्क्वायर और बी टू द पावर 4 का स्क्वायर लिख लो और लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा? ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन आया था तो
उसमें प्रूव करना था, जैसे साइन टू द पावर फोर थीटा प्लस कॉस टू द पावर फोर थीटा, आगे मैं लिखता जाऊंगा जैसे आता जाएगा, साइन टू द पावर फोर थीटा प्लस कॉस टू द पावर फोर थीटा, ये आंसर में लाना था, तो इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, बचेगा क्या साइन टू द पावर फोर थीटा माइनस कॉस टू द पावर फोर थीटा। अब क्या करें सर, वापस a माइनस, सर वापस से वही लगाएंगे, इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पहले वाले में तो नहीं लग पाएगा क्योंकि वहां पर b स्क्वायर प्लस है, इसको साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है, तो ये तो गायब हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये प्रूफ करना था, अब क्या करेंगे, कितनी बार लगाए और बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए थे इसको, करना कुछ है नहीं, फिर इसमें लग जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हो गया आंसर भाई, ये तो आएगा ही, ये गायब है इसकी वैल्यू वन है और ये आएगा, तो यही चीज प्रूफ करने दे। इस ईयर भी कुछ क्वेश्चन आ गए थे कुछ नया टाइप के, वो भी देख लेते हैं हम, सर एक मिनट लिखना है क्या, सर एक मिनट रुक जाओ लिखना है, हाँ आस्था द्वारा नेट की प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, मैं दिल्ली में हूँ अब तो नहीं है, मतलब नोएडा में। आपका द्वारा क्या, कैमरा क्यों आपका द्वारा, अच्छा सर ऑन कर लीजिए, सॉरी वैसे सब ठीक चल रहा है, समझ में आ रहा है सब? यस सर। हाँ मुझे तो तुम चमक रही हो, मुझे समझ में आया क्यों इतना खुश हो, कहाँ हो आजकल, तो आगरा में, आगरा में हो, आगरा में सब ठीक चल रहा है, हाँ सर बता दो कुछ खुशी की बात हो, थोड़ा मिठाई नहीं खिला दो, ऐसी होगी कोई बात, चल मम्मी से ही पूछूंगा, चलो इस साल देखो बोर्ड में कुछ ये तो सिंपल सा था, वो भी करा देता हूँ मैं, कि द वैल्यू ऑफ साइन 23 cos 67 cos 23 sin 67 ये बताना था, वन मार्क क्वेश्चन था ये, सर पहले का वन है, हाँ सबका एक को चेंज करोगे तो एक में साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा और एक में कॉस स्क्वायर थीटा, टू आएगा सर, सॉरी टू आएगा, वन नहीं टू आएगा, बीच में ध्यान रखो ये पेयर में हमेशा वन ही बनता है, अल्टीमेटली वो साइन इनटू कॉसेक बन जाता है या सेक इनटू कॉस समथिंग लाइक दैट, तो वन ही बनता है, कभी ना आ रहा हो तब भी मान लिया करो कि यार कैंसिल आंसर होके सर 90 है, वन ही है फिर हमारा थ्री मार्क क्वेश्चन आया था जो दैट वॉज प्रूविंग क्वेश्चन, वन प्लस कॉट स्क्वायर एल्फा ओवर वन प्लस कॉसेक एल्फा इज इक्वल टू कॉसेक एल्फा,
देखो ट्रिग्नोमेट्री का दो चैप्टर है, 12 मार्क्स का आता है बोर्ड में, इस चैप्टर से ज्यादा आता है यूजुअली, उससे 3 या 4 मार्क्स का होगा, इस चैप्टर से 7-8 मार्क्स का होता है। हुआ किसी का? बहुत सिंपल है, मेरा होने वाला है। अप्रोच बताओ सर, cot स्क्वायर अल्फा को हम cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लिख सकते हैं, और फिर उधर से हम 1 स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर cosec अल्फा प्लस 4 इनटू कर देंगे। बोल रहे हो, वेरी गुड। अब देखो बोर्ड ने मेंशन तो कर दिया था कि आइडेंटिटी नहीं आनी है, ऑल्दो ये मैंने बताया कि आइडेंटिटी कन्वर्टेबल है भाई, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर वाली सही तो बनी 1 प्लस tan स्क्वायर, जो हमने पूरे इक्वेशन को cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया था, याद है? Yes, sir. ठीक है, तो बोर्ड ने मेंशन कर दिया कि ये आइडेंटिटी सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसके बाद बहाना भी है कि भाई ये तो उससे भी हो जाएगा, टैन को साइन अपॉन कॉस लेगा तो वही वाली बन गई, तो इसलिए दे देता है। तो ये उस क्वेश्चन में भी वो आइडेंटिटी डायरेक्ट लग रही है, तो स्वास्तिका ने क्या कि कॉट स्क्वायर पे लिख दिया 1 प्लस cos स्क्वायर। मैं कहता हूँ कि इसमें एलसीएम ले लो अगर तो भी हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा। डरा नहीं करो, क्वेश्चन देखे 10th में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब बताओ यहाँ 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा दिख रहा है, क्या होता है वो? cos स्क्वायर अल्फा, तो ये हो गया cos अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, आ गया आंसर। cos अल्फा कॉमन लो, अगले स्टेप में आंसर में दिख जाएगा। अगर मैं cos अल्फा कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस cos अल्फा और नीचे भी है 1 प्लस cos अल्फा, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, आंसर आ गया। अरे सर वो मैंने ना 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा को पूरे से डिवाइड कर दिया था, मतलब 1 मैंने देखा नहीं था, लग गया। तो क्वेश्चन तो ठीक से देखा करो ना, आ गया है सबको? यस सर, यस सर, यस सर। यूजली बोर्ड में एनसीईआरटी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन लास्ट ईयर एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसमें नहीं थे, ट्रिग्नोमेट्री से बिल्कुल नहीं थे, तो थोड़ा सा फंस गए थे बच्चे। सर इस बार तो सिलेबस भी कम हो रहा है, तो मार्किंग कम नहीं होगी? अभी कहाँ आया सिलेबस कम होने का? नहीं सर कम हो रहा है, मेरी गारंटी है। अच्छा तो फिर मार्किंग भी बता दो, तुम्हें सब कुछ पता है अंदर की खबर? नहीं मैं आपसे पूछ रही हूँ मार्किंग। मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं आई है। नहीं सर, मम्मी भी तो है ना स्कूल में, मम्मी स्कूल में वर्क। सिलेबस कम होगा तो मार्किंग क्यों कम होगी, तो मार्क्स तो उतने रहेंगे, चैप्टर से वेटेज कम नहीं हो जाएगी मार्क्स की? तो पेपर तो 100 मार्क्स का ही होगा ना यार, सिलेबस कम होके मार्क्स बढ़ जाएगी, वेटेज चैप्टर में कुछ टॉपिक हटेंगे तो चैप्टर का वेटेज उतना ही रहेगा ना। इसी क्वेश्चन में और पार्ट भी था जो भी जो कि वो भी नया था, दोनों ही पार्ट नए दे दिए थे, tan टू द पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec टू द पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करना था। हो जाएगा आराम से, कोशिश करो। हो गया बताओ कैसे किया? tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया पहले, LHS से किया है tan स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया है, तो ये बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर दिया, क्या tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दिया। देखो हमें फाइनल आंसर में sec लाना है, तो tan स्क्वायर के हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, तो है सिंपल सही। सर कितने मार्क्स का आया था ये क्वेश्चन? ये 3 मार्क्स का था। सही है, क्या था क्वेश्चन? 3 मार्क्स का था।
हाँ ये 3 माइनस था, ये और पिछला वाला दोनों और में आए थे, कोई एक करना था, ये तो बहुत ही इजी था। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2 मार्क्स में था, 3 मार्क्स वाला भी, 3 मार्क्स वाला भी थोड़ा सा टेढ़ा आ गया था। लेट्स सी अगर कोई ये कर पाता है। कह रहा है 1 + sin² θ इज इक्वल टू 3 sin θ cos थीटा, ये गिवन है, ये प्रूव नहीं करना है। इफ 1 + sin² θ इज इक्वल टू 3 sin θ cos थीटा, प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 or 1/2। किसी को अप्रोच समझ में आ रही, कहाँ से शुरुआत करें, कुछ रैंडम लिखना बस शुरू करा करो, सोचो कुछ कुछ भी आइडिया लग रहा है क्या करना चाहिए। अगर 1 + sin² θ को -cos² θ नहीं कर सकते, ये बहुत गलती होती है सर। रेसिप्रोकल साइन स्क्वायर थीटा कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये सर 1 cos² θ नहीं कर सकते। नहीं भाई, 1 - sin² θ होता है ना, कोई थोड़ा जरा प्लस थोड़ी ना होता है। अभी इसको देखो, थोड़ा रिवर्स सोचो कि हमें प्रूफ करना है tan थीटा की दो वैल्यू, दो सॉल्यूशन किस तरह के इक्वेशन में आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरी गुड। तो बेसिकली हमें उल्टा सोचने से क्या रियलाइज हो रहा है कि हमें इक्वेशन चाहिए क्वाड्रेटिक, tan थीटा में क्वाड्रेटिक। मैं यहाँ कुछ कर सकता हूँ कि tan थीटा में कन्वर्ट हो जाए चीजें। सर cos थीटा को वहां जाके मल्टीप्लाई करा दें, ऐसा थोड़ा और सोचो। सही सोच रहे हो, बस डिवाइड कर देंगे इससे। हां सर, मतलब cos से, cos से, cos से cos स्क्वायर से सर, cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि फिर वो tan हो जाएगा। ये बस यही स्टेप है जो पकड़ने वाला है, क्योंकि हमें चाहिए क्वाड्रेटिक tan थीटा में, तो हमें tan स्क्वायर थीटा लाना है। tan स्क्वायर थीटा बन सकता है अगर मैं पूरे इक्वेशन को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं। कर दिया भाई, तो देखो इससे क्या हो जाएगा, एक तो बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, एक cos तो कैंसिल और sin अपॉन cos tan हो जाएगा 3 tan θ। सब कुछ ठीक लग रहा है, बस ये डिस्टर्ब कर रहा है। कुछ कर सकते हैं क्या इसका? sec² θ को तो हटा ही सकते हैं, लिख देते हैं इसको 1 + tan²θ। अब ये हमारी बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन tan थीटा में। तो क्वेश्चन अच्छा इसलिए क्योंकि इसने तुम्हारे दोनों कॉन्सेप्ट चेक कर लिए एक ही क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक का भी और ट्रिग्नोमेट्री का भी। तो फाइनली ये क्वेश्चन क्या बन गई, 2 tan²θ -3 tan θ प्लस, आसा दिक्कत हो रही हो तो कैमरा ऑफ कर लो, इज इक्वल टू 0। अब वैसे तो एक क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड ही बन गई है, बट अगर फिर भी किसी को कम अच्छा लग रहा हो तो अभी के लिए tan थीटा को x मान लो, तो क्या हो जाएगा 2x² - 3x + 1 = 0। अब अच्छी दिख रही है इक्वेशन, है वही इक्वेशन, बस tan थीटा को x लिख दिया ताकि देखने में अच्छा लगे और डिफिकल्ट ना लगे। बस इसको फैक्टराइज कर लेंगे स्प्लिटिंग वाले टर्म से, बहुत आराम से फैक्टराइज हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2x - 1
एंड x माइनस वन, अगर फैक्टराइज करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 1 आ गई और एक 1 बाई 2 आ गई। हमने कहा x तो tan थीटा को लिख दिया था हमने, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 बाई 2। कैसा लगा क्वेश्चन? लिख लिया, लिख लिया? सर एक मिनट बस। हाँ लिख लो, बता दे। लिख लिया। चल दूसरे सेट का देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो दूसरे सेट में आए थे। तो जो एक नंबर में आया था, अजय कोई लिख के नहीं करेगा, बिना लिखे ओरली बताओ ये कर सकते हो। tan 35 ओवर cot 55 प्लस cot 78 ओवर tan 12 क्या हो जाएगा? सर 2। तो कभी मार सकते हो, कुल मिला के सेमी बन जाएंगे, कैंसिल होंगे, कैंसिल होंगे, 1 प्लस 1 तो आ जाएगा। चलो 1 मार्क में एक क्वेश्चन और आया था। ये क्वेश्चन तो वैसे मुझे हमेशा याद रहेगा, मैंने एक स्टोरी बताई होगी ना, सुबह मैसेज आया था एक बच्चे का, बताया नहीं बताया? नहीं बताया। जिस दिन बोर्ड का पेपर था मैथ का, तो सुबह एक बच्चे का मैसेज आया था 8 बजे के अराउंड, इस ये क्वेश्चन था उसका। मैं सो रहा था, मैंने तो उठा, मैं अराउंड आई थिंक 8:30 या 9 बज गया था, आई डोंट नो टाइम था। तो मैंने रिप्लाई तो कर दिया बट उसने देखा नहीं था, आई थिंक वो निकल गई वो एग्जाम सेंटर के लिए, एंड फिर यही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में और वो नहीं कर पाई। तो थोड़ा सा सैड रहा उसके लिए भी, मेरे लिए भी, लेकिन उसको फ़ोन कर लेना चाहिए था या फिर फोन एग्जाम सेंटर पे ले जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने एग्जाम से पहले दे दिया था काफी पहले आंसर। एनीवे, तो गिवन है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4। वैसे तो 1 मार्क क्वेश्चन है, हो गया क्या बता देना? वन तो नहीं, वन एक, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ हाँ वन ही आएगा। ठीक है, बताना कैसे किया सदान सर? पहले सर साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए
सर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दे देंगे। अच्छा ठीक है सर, फिर प्लस 1 को सर दूसरे साइड ले जाकर 0 हो जाएगा उधर माइनस 1। ठीक है सर, साइन इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर आ जाएगा और फिर उसको स्क्वायर कर देंगे साइड ले जाएंगे अगर तो ये आ जाएगा साइन इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। यस और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर cos स्क्वायर a की वैल्यू है साइन है, जैसे हमें जो निकालना उसमें cos स्क्वायर है और cos टू द पावर 4 a है तो इसका हम स्क्वायर भी कर लेते हैं बोथ साइड तो cos टू द पावर 4 a की वैल्यू भी आ जाएगी। cos टू द पावर 4 a की वैल्यू क्या हो गई? साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर लोग पुट कर दो, cos स्क्वायर a की वैल्यू है साइन है और cos टू द पावर 4 a की वैल्यू है साइन स्क्वायर है और साइन है प्लस साइन स्क्वायर है दे ही रखा है कितना है। Although, एक नंबर लाइक क्वेश्चन नहीं था, इससे ज्यादा का होना चाहिए था बट फिर भी एक नंबर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज सेम, वो जो 2 मार्क्स में था दूसरे सेट में वो 10 टू द पावर 4 और सेट टू द पावर 4 वाला और जो ऑप्शन में था वो दोनों क्वेश्चन सेम से दूसरे सेट में भी। जो 3 मार्क क्वेश्चन था जिसमें पिछले वाले में क्वाड्रेटिक बनाए थे हमने उसकी जगह यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आया था, ये हमने लिख लिया है ना? क्वेश्चन आया था कॉस स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा अपॉन टेन 60 प्लस थीटा इंटू टेन 30 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। चलो ये क्वेश्चन उससे तो इजी है ये, लेट्स सी यू कैन थिंक द अप्रोच। सर नीचे प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई है? हाँ मल्टीप्लाई। ओके सर, कल के टेस्ट में सुहानी, ऋषभ, आस्था और सृष्टि इनको एक बोनस क्वेश्चन मिलेगा, बोनस सही मिलेगा फॉर ऑलवेज फॉलोइंग द रूल। ये मुझे याद दिला देना, वैसे मुझे याद रहेगा, 4 लोग हैं, मैं लिख लेता हूँ। ओके सर, अनलेस आपके सारे सही हो, सारे सही होंगे तो फिर एक्स्ट्रा नहीं देंगे और एक भी गलत होगा तो मैं उसको सही कर दूंगा। किसी को आइडिया? ज्यादा उसमें कुछ लिखने का नहीं, एक स्टेप में हो जाएगा। शायद गलत होगा सर, cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा पर हम उसको हम sin स्क्वायर 45 प्लस थीटा। अरे सोच सही रहे हो बट कैलकुलेशन में शायद गलती कर दी है। देखो सबसे बड़ा कैचिंग पॉइंट यहाँ पर है कि ऑब्जर्व करना कि किस टाइप का क्वेश्चन है, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कोई बता सकता है किस वाले कॉन्सेप्ट पे है ये? 90 डिग्री वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला क्योंकि यहाँ नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जो कि हमें अभी दिख नहीं रहे हैं लेकिन इससे बड़े हिंट है अगर तुम सम ऑफ एंगल्स करके देखोगे तो 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा ऐड करो 90 60 प्लस थीटा 30 माइनस थीटा ऐड करो 90 प्लस थीटा और माइनस थीटा हमेशा कैंसिल हो जाएंगे। उसका फंडा एक ही है, एक को चेंज करो और अपने आप आंसर आ जाएगा। तो मैं एक को चेंज कर देता हूँ, तो अगर मैं कॉस को चेंज करूंगा तो कॉस का हो जाएगा साइन और एंगल क्या हो जाता है चेंज होके 20 का क्या हो जाता है एंगल 60
90 माइनस 45 प्लस थीटा ही आ जाएगा, ठीक है। और ये तो एक ही को चेंज करना, तो दोनों को नहीं करना गलती से, और ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक्चुअली थीटा वो थीटा में समझा करो, इसका मतलब साइन स्क्वायर पर दोनों में एंगल सेम होने चाहिए। साइन स्क्वायर थ्री प्लस कॉस स्क्वायर थ्री भी तो वन होता है, तो कोई भी एंगल हो बट दोनों में सेम है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वन। ऐसे ही नीचे भी हो जाएगा, एक को चेंज कर दो, मान लो मैं पहले को नहीं कर रहा हूँ, टेन 60 प्लस थीटा है, टेन 30 माइनस थीटा कर रहा हूँ तो टेन का तो कॉट हो जाता है, और 30 माइनस थीटा इसको 90 से सबट्रैक्ट करोगे तो ये 60 प्लस थीटा हो जाएगा, तो टेन इंटू कॉट होता है वन, हो जाएगा वन अपॉन वन, आंसर आ जाएगा वन। समझ गए? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला कोई क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए, एंगल उल्टे सीधे लिखे हैं तो हम समझ गए कि एक को चेंज कर देंगे आंसर आ जाएगा, या फिर दूसरा क्वेश्चन सिर्फ ये वाला आता है tan of something is equal to cot of something, जिसमें एंगल का सम 90 होता है, ठीक है। ये 3 मार्क्स में वो, अब ये तो वो वैसी बात हो जाती है ना, जो इनके सेट में वो आ गया क्वाड्रेटिक वाला, वो थोड़ा कहने लगे कि अनफेयर हो गया क्योंकि ये थोड़ा जल्दी हो गया था, लेकिन ठीक है, चांस चांस की बात है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, करते रहो सब ठीक ही होता है। चलो तो हमारे बोर्ड वाले सारे क्वेश्चन तो हो गए हैं, वर्कशीट के 4-5 क्वेश्चन रह गए थे वो भी खत्म कर लेते हैं, वैसे तो मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाना है इस चैप्टर में, बट चलो आज टाइम नहीं रह रहा है, वर्कशीट के जो क्वेश्चन बचे उनमें से मैं देख लेता हूँ, जो तुम नहीं कर पाओगे या डिफिकल्ट है वो कर लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 20 तो आई गेस कर लेना चाहिए, होपफुली कर लोगे, 19 भी शायद कर लोगे, 18 करा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो वर्कशीट में, जिसके पास मेरे भी सामने ना हो तो मैं लिख देता हूँ। 18 कह रहा है साइन ए प्लस कॉज ए इज इक्वल टू पी है, और सेक ए प्लस कॉसेक ए इज इक्वल टू क्यू है, प्रूव दैट क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 2p। ऐसा क्वेश्चन 11 भी आया था, जहां पर कुछ x और y की वैल्यू दे रखी थी और कुछ एक्सप्रेशन लिखा था, तो इनमें कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, जो पूछा गया है वो लिख दो और कैलकुलेशन कर दो, दैट्स इट। तो क्या पूछा गया, q इंटू समथिंग, तो q की वैल्यू पता ही है, लिख दो q की वैल्यू है sec a प्लस cos a। अब p स्क्वायर माइनस वन, मैं इसको साइड में सॉल्व कर लेता हूँ, p हमें पता ही है, p स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो p स्क्वायर हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए स्क्वायर, जो कि हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कुछ लिख सकते हैं हम, तो वन प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और हमें क्या वैल्यू निकालनी है, पी स्क्वायर माइनस वन, तो वन को दूसरे साइड ले जाते हैं, तो पी स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू क्या आ गई, 2 साइन ए कॉज है, बस वैल्यू पुट कर देते हैं, पी स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू है 2 साइन ए कॉज है, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे देखो क्या आ जाएगा, पहले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 साइन ए कॉज ए इंटू सेक ए प्लस 2 साइन ए कॉज ए इंटू कॉस सेक ए। अभी देखो कॉज इंटू सेक क्या होता है, कॉज और सेक क्या है एक दूसरे के, सर 1 होगा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऐसा ही साइन और कॉस सेक भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये भी 1 हो जाएगा, सिर्फ 2 कॉज ए बचेगा, इन दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 साइन ए प्लस कॉज ए बचेगा। अब गिवन क्वेश्चन देखो, साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या है, सेक पी पी है, तो 2p हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, और यही हमें चाहिए था, देखो राइट हैंड साइड में 2p के इक्वली तो प्रूफ करना था इसको, ठीक है। यस सर, यस सर।
ऐसे ही क्वेश्चन 17 है वैल्यू रखने वाला, वो भी कर लोगे। सर एक मिनट नोट डाउन करने में। हाँ हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन 16 चलो ट्राई करने के लिए कुछ तो छोड़े थे। लिख लिया। सबने लिख लिया? यस सर। चलो कोई बात नहीं, आगे करा भी नहीं रहा हूँ कि पांच ही क्वेश्चन ऑल शीट के रहेंगे, जिसमें से एक मैंने करा दिया, तो सिर्फ चार क्वेश्चन तुम्हारे लिए रह गए हैं करने के लिए, तो वो कर लेना खुद से, बाकी रिवाइज करते रहो, टेस्ट की तैयारी कर लेना, और मैं दो क्लासें या तीन क्लासें एक्स्ट्रा जितनी रिक्वायर्ड होंगे वो लूंगा टू गो फर्दर इन दिस चैप्टर। सीबीएसई वाला कंटेंट हमारा पूरा खत्म हो चुका है, और हमेशा कॉपी क्वेश्चन हमेशा करके जाना किसी भी एग्जाम में, कॉपी में सारे क्वेश्चन अच्छे कराता हूँ, इम्पोर्टेंट कराता हूँ, बहुत ज्यादा इसलिए नहीं कराता हूँ, क्रिस्प होता है वो, तो कॉपी अच्छे से बनाना पूरे साल, जो अभी नहीं बना रहे वो आगे से ध्यान रखें, और काफी मेजर पोर्शन हमारा कवर हो चुका है, तो अभी तो 3 महीने हुए हैं, अभी तो वेकेशन भी नहीं आया है, तो वी आर गोइंग क्वाइट गुड स्पीड, अपना साथ साथ काम करते रहो। मेरी तो क्लासेस छूटी थी उसकी वजह से क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर अभी पीछे चल रहा है मेरा, तो मैं वो साइड बाय साइड कवर कर रही हूँ, तो फिर इसलिए उसका होमवर्क नहीं हुआ हुआ है। किसका? सर क्वाड्रेटिक वाले का। बस उसका ही नहीं हुआ है ना? हाँ हाँ ठीक, कवर कर लो, तो इवेंचुअली धीरे धीरे करते जाओगे, तो अब तो स्कूल का लोड भी नहीं होगा। नो सर अब छुट्टी हो गई। हाँ तो बस कर लो, तो मैक्सिमम 1 वीक लगेगा, उतना भी नहीं लगेगा। सर आप हॉलीडेज दोगे? क्या देंगे? सर समर वेकेशन। हाँ 1 वीक हॉलीडे रहेगा समर वेकेशन। तो कब रहेगा? कब रहेगा? कहीं तुम्हें जाना है क्या? सर कहाँ जाएंगे अभी? क्या सर कहीं जा थोड़ी पाएंगे? वैसे तो सेकंड वीक ऑफिशियली होता है हमारा ऑफ, लेकिन मैं भी थोड़ा डिले कर दूँ कि हम भी कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तो अगर सिचुएशन सही होने लगी थोड़ा सा डिले करके हम 3rd वीक या 4th वीक में दे देंगे। सर इस बार तो स्कूल भी सिर्फ 10th और 12th के खुल रहे हैं। हाँ अभी उसे कुछ नहीं पता यार, अभी तो ठीक हो तो रहा नहीं है, आई डोंट नो। सर आ गया मैसेज हमारे पास। क्या हमारे पास सर? जुलाई से हो जाएंगे सर हमारे तो खुल जाएंगे। कुछ नहीं बता रहा, अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर जुलाई से नहीं होगा, अभी सब तो अभी 25% अटेंडेंस के साथ खोलना ही पड़ेगा, 25% बच्चे आएंगे। पड़ेगा कुछ नहीं यार, अगर नहीं थी तो अभी और पड़ गया तो फिर सब हो जाएगा। मुझे तो फर्क भी नहीं पड़ रहा, मेरा बर्थडे तो वैसे ही निकल गया, पहले ही आता है मेरा। कब निकल गया बर्थडे, क्या आने वाला है? अरे 15 जुलाई से पहले ही आएगा ना मेरा बर्थडे, तो फर्क क्या पड़ता है। कोई बात नहीं, ऑनलाइन सबको बुला लेना और पैसे ट्रांसफर कर देना हम लोग के अकाउंट में, तो हम लोग अपना घर। सर वेडनेसडे को है। ठीक है, तो सब लोग अपना पेटीएम नंबर भेज देंगे खुशी के पास। अपने घर पे पार्टी कर लेना, जूम पे ही सामने सब लोग बैठ जाएंगे, बर्थडे वगैरह विश कर देंगे। ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय ऑल। ओके सर, बाय सर। Bye.